अस्सलामुअलैकुम क्लास एट। आज हम जो अब वीक करने जा रहे हैं वो वीक है एट। इसमें आपने उर्दू ए का सबक काहली, उसका अल्फाज मायनी और ख़लासा करना है उर्दू ए की कॉपी पर। और उर्दू बी, उर्दू ग्रामर में हमारा काम शामिल रहेगा। वाहिद जमा है हाशिया से अरवाह तक। मकालमा करना है हमें दो हम जमात के दरमियान। कहानी है सच की बरकत। इनके साथ इनके मैंने यहाँ पर पेज मेंशन कर दिए हैं उर्दू ग्रामर के। सबक है यहाँ पर हमारा सबक नंबर 3 काहली। इसके अल्फाज मायनी हैं, आपने बिल्कुल पेज इसी तरह से तैयार करना है। अल्फाज मायनी इस तरह से लिखने हैं, लफ्ज़ है आपका औकात बसर करना, ज़िंदगी के दिन काटना, बामजबूरी मजबूरी के साथ। आगे है बेकार मबाश, बेकार मत रह, चंदा इतनी देर, हाजत ज़रूरत, हकीमाना दानिशमंदाना, दिली कुवा दिल की ताकतें, तबीयत सानी पुख्ता आदत, कमारबाजी जुआ खेलना, ला खराजदार खराज या महसूल ना देने वाले, वहशी गैर महज़ब, वलायत मुल्क महकूम मुल्कों के बाशिंदों के लिए उनके आकाओं का मुल्क। आगे हमें इसका ख़ुलासा करना है। सबक नंबर हमारा 3 है काहली। ख़ुलासा हम इसका लिखेंगे। पहला पैराग्राफ है, लोग काहली के मायने समझने में गलती करते हैं। काम काज और मेहनत से जी चुराना काहली नहीं, बल्कि दिली ताकत को खो देना काहली है। पेट भरने के लिए इंसान को मजबूरन मेहनत करना पड़ती है, मगर जिन लोगों को ज़िंदगी की सहूलतें मयस्सर हैं वो मेहनत के बजाय दिली ताकत को बेकार छोड़ देते हैं और यूं हैवान सिफ्त हो जाते हैं। ये हकीकत है कि हज़ारों पढ़े लिखे लोगों में बहुत कम हैं जो मेहनत और अक़ल को काम में लाते हैं, लेकिन अगर इंसान आर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिली ताकत को बेकार छोड़ दे तो वो काहिल वहशी और हैवान बन जाता है। एक शख्स जिसकी आमदनी उसके अखराजात के लिए मुनासिब हो और वो दिली सलाहियतों को बेकार डाल दे तो इन आसाइशों की बदौलत वो वहशी बन जाता है। हमारी कौम को अगर दिली ताकत और कुव्वत अकली काम में लाने का मौका ना मिले तो इसकी वजह काहली है। बग़ैर कोशिश और मेहनत के कौम की बेहतरी की तवक्को करना बेकार है। एक इंसान जिसकी आमदनी और अखराजात बराबर हैं और उसको हासिल करने के लिए उसे मेहनत ना करनी पड़े, वो अपनी सलाहियतों को बेकार छोड़ दे तो उसके आम शौक भी वहशी हो जाएंगे, यानी वो वज़ेदार वहशी बन जाएंगे। हिंदुस्तान में बहुत कम काम ऐसे हैं जिनमें दिल और अकल की ताकत को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दीगर ममालिक में इसके मौके बहुत वसी हैं। किसी भी शख्स के दिल को बेकार नहीं रहना चाहिए। जब तक हमारी कौम का काहली नहीं छोड़ेगी, तरक्की नहीं कर सकेगी। ये सबक काहली लिया गया है मकालाते सर सैयद से, हिस्सा पंजुम। क्लास उर्दू बी की कॉपी पर आपने ये इस वीक का फर्स्ट काम करना है, वाई जमा, जो कि पेज नंबर 30 पर मौजूद हैं। देखिए ये मैं पढ़ रही हूँ। हाशिया हवाशी, हिस्सा हिसस, खल्क अखलाक, खत खतूत, खलीफा खुल्फा, खातून खवातीन, खादिम खुद्दाम, खातिर खवातर, खैमा खयाम, खासा या खास की जमा होगी खवास, खासियत खसाइस खवास, खजीना खजाइन, खतरा खतरात, खसलत खसाइल, खराबा खराबात, दलील दलाइल या अदला, दीवान दवावेन, दौलत दौल, दफ्तर दफातर, दफीना दफाइन, दुआ दावात या अदिया, दीन अदियान, दौर अदवार, दस्तूर दसातीर, दकीका दकाइक, दावा दावा, दायरा दवायर, दवा अदविया, जहन अजहान, जखीरा जखायर,
ज़ाकिर ज़ाकरीन ज़रिया ज़राए रुकन अरकान रम्स रमूस रवायत रवायात रूह अरवाह। आगे हमें मुकालमा लिखना है जो कि दो हम जमात के दरमियान है, पेज नंबर 80 पर मौजूद है। अली रज़ा शहरयार मियाँ कहाँ जा रहे हो? शहरयार आखा आप हैं, अस्सलामुअलैकुम। अली रज़ा ये क्या कि सर पैर का होश नहीं और बाज़ार को भागे जा रहे हो? शहरयार भाई साहेब सलाम का जवाब तो दिया होता। अली रज़ा वालेकुम अस्सलाम सच मानो तुम्हें देखकर सलाम का जवाब तक याद ना रहा। शहरयार और अब भी बेखुदी में भाग रहे हो? अली रज़ा नहीं तो बेखुदी की क्या बात है, अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा ख़रीदने जा रहा हूँ, अंग्रेज़ी कमज़ोर है ना मेरी। शहरयार अंग्रेज़ी ऐसा मज़मून नहीं जिसके मुतालिक परेशान होने की ज़रूरत हो। अली रज़ा क्या मतलब? शहरयार मतलब ये है कि मैं मदद के लिए हाजिर हूँ। अली रज़ा शुक्रिया दोस्त, ये तो बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? शहरयार जा कहाँ रहा हूँ, यही हिसाब का ख़ुलासा ख़रीदने का इरादा है। अली रज़ा हिसाब में तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ। शहरयार शुक्रिया, मगर ये दोनों मज़मून तैयार कैसे होंगे, हम एक दूसरे की मदद क्यों करेंगे? अली रज़ा हमारे घर में आ जाया करो और हिसाब की मशक कर लिया करो। शहरयार ठीक है, आइंदा हम दोनों मिलकर स्कूल का काम किया करेंगे और एक दूसरे की मदद से अपनी कमी पूरी कर लिया करेंगे। आगे हमें करनी है कहानी सच की बरकत। रात का पिछला पहर था, दिन भर का थका हारा काफिला पड़ा सो रहा था। अचानक शोर उठा, डाकू आ गए डाकू आ गए। सोए हुए मुसाफिर हड़बड़ा कर उठे और अपने अपने सामान को संभालने लगे। डाकुओं ने लूट मार मचा रखी थी, एक एक की तलाशी ले रहे थे, लोगों की जेबें टटोल रहे थे, जो कुछ पाते थे छीन झपट लेते थे। लूटने वाले आहो फगा कर रहे थे मगर जालिम डाकुओं पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा था। इसी काफ़िले में एक नौ उम्र लड़का भी शामिल था जो खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और मतलब परेशान नज़र नहीं आता था। एक डाकू उसके पास आया और पूछने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? 40 अशरफियां, लड़के ने जवाब दिया। डाकू मजाक समझकर आगे बढ़ गया। दूसरा डाकू आया तो लड़के ने उसे भी यही जवाब दिया। इसी तरह यके बाद दीगरे तीन डाकुओं ने लड़के से यही जवाब पाया। डाकुओं के सरदार तक भी ये बात पहुंची, उसने लड़के को पकड़ मंगवाया और पूछा, लड़के तेरे पास क्या है? लड़के ने इत्मीनान से जवाब दिया, 40 अशरफियां। सरदार ने पूछा, कहाँ हैं 40 अशरफियां? मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई हैं, लड़का बोला। तो सचमुच 40 अशरफियां निकल आईं। सरदार ने हैरत से कहा, लड़के तूने इतनी बड़ी रकम छुपा क्यों ना ली? मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, मैं झूठ बोलकर गुनहगार क्यों बनता, लड़के ने जवाब दिया। सरदार ने लड़के का जवाब सुना तो सोच में पड़ गया कि नौ उम्र लड़का माँ की नसीहत का इतना पाबंद है और मैं एक मुद्दत से अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ अमल कर रहा हूँ, अल्लाह के हजूर मेरा क्या हाल होगा। सरदार ने हुक्म दिया, सारा माल काफिले के लोगों को वापस कर दो। और ख़ुद लड़के के पाँव में गिर पड़ा, तोबा की और रहज़नी का पेशा हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया। ये लड़का कौन था? ये थे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे थे। इनके सच की बरकत से पेशावर डाकू तोबा करके नेक बन गए। क्लास 8 आपने ये सारा काम अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग में करना है और इस सारे काम को उर्दू एयर और उर्दू बी के काम को याद भी अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट वीक ये आपका सारा काम आप लोगों ने चेक करवाना है, ठीक है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।